उनमें अगर आप लॉस में हो या किसी दूसरे फैंटेसी ऐप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप लॉस में हो, तो आप सभी जो हमको पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा हमारे अलावा यानी सागा फ्लैशबैक के अलावा आपको कोई भी विन नहीं करवा सकता है। आपको पता होगा कि हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ विन करते हैं, रेगुलर विन करते हैं। जो ख़राब मैचेज रहते हैं या लो इन्वेस्टमेंट वाले मैचेज होते हैं उसमें लो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट का वेरिएशन रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी गेम में विन करने के लिए। जिसमें लो इन्वेस्टमेंट करना है या जो मैच प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसमें हमको न्यूज नहीं आई है, उसमें कम इन्वेस्टमेंट करना, और जो हमारे जैकपॉट मैच होते हैं उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। जैसे कि आज भी आपने देखा हमने 2.5 लाख से ज़्यादा वर्ल्ड कप वाले जैकपॉट मैच में विन किया। इसके अलावा जैसे आपको सामने दिख रहा है ओमान D10 का मैच आपको दिख रहा है, इसमें केवल हमने 4 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए। ड्रीम इलेवन में हम लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, ड्रीम इलेवन में हम लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी क्या है कि हम लोग अभी प्रिडिक्शन आप सभी को देंगे विंडीज और आयरलैंड के बीच में होने वाले मुकाबले का, वर्ल्ड कप का, जो कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी को दे रहा हूँ। काफ़ी बिजी शेड्यूल है हम लोगों का, और आप सभी को पता होगा कि पहले से ज़्यादा अब हम विन करते हैं। पहले हम लोग कम इन्वेस्टमेंट करते थे, कम सीरीज में इन्वेस्टमेंट करते थे, कम मैचेज में इन्वेस्टमेंट करते थे। हर सीरीज के साथ, हर मैचेज के साथ, हर प्रॉफिटेबल मैचेज के साथ हमारी विनिंग बढ़ती जा रही है, हम ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, लगातार लॉस में हैं, तो आपको इस पे काम करना होगा। कैसे काम करोगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक ही बात को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। मैच नंबर 11 की बात करेंगे, उसके पहले आज की विनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है, ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। पुराना टेलीग्राम चैनल ड्रीम इलेवन के द्वारा स्ट्राइक देने की वजह से वो नहीं काम कर रहा है, तो आप इस नए चैनल को ज्वाइन कर लेना। नए चैनल के लिए आपको ये टाइप करके डायरेक्टली भी हमारे चैनल पे आ सकते हो। अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके माध्यम से आपको ज्वाइन होने में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमने आज 2 मैच में इन्वेस्टमेंट किया था, जिनमें से कि सबसे बड़ा मैच हमारा था वर्ल्ड कप वाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कप के जैकपॉट मैचेस स्टार्ट हो गए हैं और उसमें हमने आज भी बड़ी विनिंग की, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। 2999 वाली हमने 31 लीग्स ज्वाइन की थी, लगभग 94 हज़ार का इन्वेस्टमेंट था, 2,32,000 रुपये की विनिंग थी, 1,38,000 रुपये का प्रॉफिट था। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे विनिंग के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। अब क्या है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को पेड मेंबरशिप नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो अब जल्दी नहीं बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विन नहीं करते हैं या तो हम लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। अब मैचेज की संख्या ज़्यादा हो गई है तो पर मैच जो इन्वेस्टमेंट है वो हम कम करते हैं, लेकिन टोटल में अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा हम लोग करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारी टीम थी, वाइस कैप्टन हमने बिल्कुल लास्ट में चेंज किया था, कुछ मेंबर्स को हमने कुछ ग्रुप में हमने शेयर किया था। वाइस कैप्टन लेडी को बनाना था, जो कि मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट के भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेंगे, ये सेफ थे। एंड बहुत सारे मेंबर्स ने चेंज किया, उसका प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन ऐसे भी टीम का कॉम्बिनेशन जब अच्छा होता है तो आपको कैप्टन की ज़रूरत कई बार होती है वाइस कैप्टन की नहीं होती, कई बार वाइस कैप्टन की होती है कैप्टन की नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे टीम की खासियत क्या थी, हमारे टीम में इंपॉर्टेंट बॉलर्स थे, हमारे कैप्टन हसरंगा थे जिनको कम लोगों ने बनाया था, प्लस मिकरेन हमारे टीम में थे जिनको कम लोगों ने लिया था, ज़्यादातर लोगों ने क्लासेन और प्रिंगल को लिया था। तो इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से आप विन करते हो। मेंबर्स के विनिंग की बात करें तो यहाँ देख सकते हो 4,000 लगा करके 7,000 विन किया, 9,000 लगा करके 18,000 विन किया, 18,000 लगा करके 50,000 विन किया, 3,000 लगा करके 10,000 विन किया, 7,000 लगा करके 15,000 विन किया, 3,000 लगा करके 9,000 विन किया, 9,000 लगा करके 26,000 विन किया। इसके बाद हमारा WBBL का जैकपॉट मैच आज था, उसमें हमारी अब तक की सबसे बड़ी विनिंग हुई, जो कि हमने माई टीम 11 में इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हमने 2,85,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और विनिंग हमारी लगभग 4.5-4.25 लाख के आसपास थी, 1,30,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक मेंबर की विनिंग हमने यहाँ पे शेयर की हुई है, क्योंकि प्राइम मेंबर्स को टीम दी गई थी तो प्राइम मेंबर्स की विनिंग हम शेयर नहीं करते हैं, और माई टीम 11 का भी हम लोग विनिंग अब शेयर नहीं करते हैं, पहले हम लोग शेयर किया करते थे। यहाँ पे केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है माई टीम 11 के साथ कि हम केवल यहाँ पर पिंड के तौर पर आपका ये लिंक शेयर करेंगे, बाकी हम नहीं करने वाले हैं, ना तो वीडियो में प्रमोट करने वाले हैं। तो जितना
हमको करना है उतना हम करते हैं, बिकॉज हमारा खुद का भी फैंटेसी एप्लीकेशन मार्केट में है, तो हम लोग अब किसी दूसरे एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं इस मैच की। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मैच में बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना होता है, जितनी बातों पे ध्यान देना है बस वो मैं आपको बता देता हूँ। होबार्ट में ये मैच होने वाला है, होबार्ट के इस मैदान पे होने वाला है, 9:30 बजे ये मैच खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के बीच में। यहाँ की अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो इस टूर्नामेंट में यहाँ पर 4 मैच खेले गए हैं, 3 बार बैटिंग फर्स्ट और 1 बार बैटिंग सेकंड, यानी जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी। यहाँ जो 4 मैचेज हुए हैं इसमें स्कोर किस तरीके से हुए हैं, स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 160 बनाया था, मैं केवल फर्स्ट इनिंग वाला स्कोर आपको बता रहा हूँ। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 174 बनाया था, स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 बनाया था। वेस्ट इंडीज ने भी इस मैदान पर खेला हुआ है जहाँ की इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बनाया था 153 बनाया था, तो यानी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो बनाया 176 बनाया जो कि स्कॉटलैंड ने बनाया हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे 174 बनाया जो कि जिम्बाब्वे ने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 170 प्लस का स्कोर बन सकता है, लेकिन यहाँ जो स्कॉटलैंड ने बनाया था 176, उसको आयरलैंड ने 180 बना के चेस कर लिया था। बाकी तीनों में ही अगर मैं बात करूँ तो चेस नहीं हो पाया, केवल स्कॉटलैंड के अगेंस्ट आयरलैंड ने चेस किया था। यहाँ जो स्कॉटलैंड ने मैंने आपको बताया कि 160 बनाया था, वेस्ट इंडीज के साथ ये मैच था 118 पे, वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम ऑल आउट हो गई थी। यहाँ जो जिम्बाब्वे का मैंने बताया 174 बनाया, आयरलैंड जैसी टीम 143 ही बना पाई, जिसने नेक्स्ट मैच में 177 का टारगेट चेस कर लिया इस मैच में जो कि स्कॉटलैंड के साथ हुआ था। विंडीज ने लास्ट मैच में 153 बनाया और जिम्बाब्वे को 122 पे ऑल आउट कर दिया, जिस जिम्बाब्वे की टीम ने 174 बनाया था। यानी यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांस हैं, लेकिन जब विंडीज और आयरलैंड के बीच में मुकाबला है तो विंडीज स्ट्रॉन्ग टीम है, भले ही वो एक मैच यहाँ पर हार के आ रही है, स्कॉटलैंड ने हराया था, लेकिन आयरलैंड को आसानी से विंडीज की टीम हरा सकती है। दोनों की टीम में के बीच में जो हेड टू हेड मुकाबले हुए 5 खेले गए हैं, 3 जीता है विंडीज ने, 2 जीता है आयरलैंड ने। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, तो मैंने अभी आपको 4 मैचेज बताया, उसमें वो मैचेज कवर हो गए। 2 मैच इसने खेला है, 2 मैच इसने खेला है, 1 जीता है 1 जीता है, 1 हारा है 1 हारा है, दोनों ही 1-1 मैच जीत करके आ रहे हैं 2 में से। अब दोनों टीम की तरफ से कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, आपको बस उन्हीं प्लेयर को लेके चलना है। सबसे पहले मैं आयरलैंड की बात करूंगा, जबकि पहले विंडीज की बात करनी चाहिए, बिकॉज आयरलैंड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो 4-5 प्लेयर कौन से होंगे वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कैम्फर को लेना है, 72 रन 2 विकेट, उसके पहले 27 रन 0 विकेट, 3 ओवर 4 ओवर इस तरीके से बॉलिंग कराते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जोसुआ लिटिल, मार्क अटायर, ये दोनों आपके लिए मस्ट पिक होंगे, दोनों ही 4 ओवर बॉलिंग कराते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कराते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। यहाँ पे मार्क अडायर बैटिंग भी बहुत शानदार करते हैं, अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। लिटिल की बात करूँ, लास्ट में मैच में 1 विकेट मिला, उसके पहले 3 विकेट लिया था, इम्पॉर्टेंट है। कुछ और इम्पॉर्टेंट बॉलर हैं इनके जो कि बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं बट विकेट नहीं मिल रहा है। मैकार्थी ने पहले मैच में काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की थी, लास्ट मैच में काफ़ी रन दे दिए थे, बट विकेट इनको किसी भी मैच में नहीं मिला, तो अगर इस मैच में मिल जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिमी सिंह, पहले मैच में इन्होंने 3 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिए थे, लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर बॉलिंग करके विकेट नहीं मिला, तो अब सिमी सिंह को विकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे डेलानी करके आपको बैट्समैन दिख रहे हैं जो कि बैटिंग बहुत शानदार करते हैं, पहले मैच में 24 बनाया लेकिन दोनों ही मैच में इनको विकेट नहीं मिला, 2 ओवर 3 ओवर करा सकते हैं, डिपेंड करता है पहला 2 ओवर ये कैसा करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्लेयर मेरे को मेन लेना था 3, वो मैंने सबसे पहले आपको बताया। अब यहाँ पे जो पॉल स्टर्लिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आयरलैंड के ये हैं, लेकिन दोनों मैच में ये फ्लॉप हैं, ऑफ स्पिन भी कराते हैं। अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामने है, जैसे कि आपको दिखेंगे विंडीज में मेयर्स है, निकोलस पूरन है, तो ये बॉलिंग करने आ सकते हैं। तो यानी पॉल स्टर्लिंग भले ही 2 मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन 2 मैच की कसर 1 मैच से ये निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा ट्रैक्टर बहुत बढ़िया प्लेयर है, द हंड्रेड्स जो आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, द हंड्रेड्स में भी खेले थे, वहाँ भी ठीक ठाक किया था, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो टक्कर है, 1 डाउन बैटिंग करने आते हैं, 11-20 रन की इनिंग खेली, ये भी बड़ी इनिंग कभी भी खेल सकते हैं। 2 मैच से डॉकरेल काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं, पहले ये बॉलिंग भी किया करते थे, लास्ट मैच में भी 1 ओवर किया था आई थिंक, एंड दोनों मैच में किया था 1-1 ओवर,
बट इनको विकेट नहीं मिला था। 24 रन पहले मैच में बनाए, दूसरे में 39। तो अगर आपको लेना भी है तो आप डॉकरेल को लेना, बिकॉज ये अच्छी ज़्यादा फॉर्म में है। नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं टॉप ऑर्डर में। यहाँ पे ट्रैक्टर और टकर, ये दोनों इम्प्रेस कर सकते हैं, तो आप इनको भी बिल्कुल मत भूलना। तो 4 प्लेयर फिलहाल के लिए जो मस्ट पिक है वो मैंने ले लिए हैं। डेथ ओवर में लिटिल करेंगे, मार्क अडायर करेंगे, मैकार्थी करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कौन कितने ओवर बॉलिंग कराता है। तो 2 मैचेस दोनों टीम ने खेले हैं, आयरलैंड ने 2 मैच खेले हैं। दोनों मैच में लिटिल ने 4 ओवर और डायर ने 4 ओवर, इन दोनों दोनों मैच में 4-4 ओवर कराया है। जिस मैकार्थी की मैं बात कर रहा हूँ उनको भी 4 ओवर दोनों मैच में दिया गया, बट फ़र्क ये है पहले मैच में उन्होंने 24 रन दिए थे, दूसरे मैच में 4 ओवर में उन्होंने 59 रन दे दिए थे। अब लास्ट मैच को देखते हुए तो उनको लेना बनता नहीं, और सामने विंडीज की टीम है जो या तो एकदम आर पार की लड़ाई लड़ती है, या तो बिल्कुल ख़राब खेलेगी, या तो ऐसा खेल जाएगी कि उसको सोचना भी किसी के लिए बहुत दूर की बात होगी, उसके लेवल तक पहुंचना बहुत दूर की बात होगी। एक एक प्लेयर विंडीज का मैच विनर प्लेयर है, कोई एक भी चल जाए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कमाल कर जाता है। तो यहाँ पर मैकार्थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल 8% का सिलेक्शन है, अगर इनको 2 विकेट मिल गया तो आपको ये विन करवा सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही मस्ट पिक आपके लिए हो जाते हैं। अब यहाँ सिमी सिंह जिनको मैंने नहीं लिया है, सिमी सिंह ने 3 ओवर कराया पहले मैच में, दूसरे में 2 ओवर कराया। पहले मैच में तो इनको 2 विकेट मिला, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला। पहले मैच में एक्सपेंसिव थे, 31 रन दिया था, फिर भी इन्होंने 2 विकेट लिया था। लास्ट मैच में 16 रन दिया, विकेट नहीं मिला। इसके अलावा डेलानी जिनको मैंने नहीं लिया है, पहले मैच में 2 ओवर, दूसरे में 3 ओवर इन्होंने बॉलिंग की। इसके बाद कैम्फर जिनको मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है, पहले मैच में 3 ओवर, लास्ट मैच में 2 ओवर इन्होंने किया था। अब यहाँ बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की 2 बार विश्व चैम्पियन टीम वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ के पास कायल मेयर्स है जो कि सेंचुरी तक मार सकते हैं, बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। इस बार CPL में भी आपने इनको कमाल करते हुए देखा, आपने इंटरनेशनल मैचेज में भी इनको कमाल करते हुए देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जोनाथन चार्ल्स यहाँ पे आए, लास्ट मैच में 45 की इनिंग खेली। CPL से इनका अलग एक रूप देखने को मिल रहा है, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करते हैं, हर बॉल पे उड़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, सिंगल डबल भी लेते हैं, पहले ये चीज़ इनके अंदर से मिसिंग थी। इवन लुइस भले ही दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं 14-15 की इनिंग के लिए, आपको पता है किस लेवल के ये प्लेयर हैं। इसके बाद जो थर्ड बैट्समैन आपको लेना है, आपको चुनाव करना है रॉबिन पॉवेल और एस ब्रुक्स के में से। कई बार एस ब्रुक्स आते हैं नंबर 5 पे बैटिंग करने, कई बार रॉबिन पॉवेल आते हैं नंबर 5 पे बैटिंग करने। लास्ट मैच में नंबर 5 पे रॉबिन पॉवेल आए थे, 6ठे पे ब्रुक्स आए थे। रॉबिन पॉवेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 28 रन बनाए काफ़ी तेज, ब्रुक्स 0 पे आउट हो गए थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे लेना बनता है रॉबिन पॉवेल को, अगर आप आयरलैंड के एक्स्ट्रा बैट्समैन लेना चाहते हो, और डॉकरेल या तो फिर ट्रैक्टर को यहाँ से ले सकते हो। टीम के जो कैप्टन बेलब्रीन, ये भी काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन एक मैच में अच्छा करेंगे पूरे वर्ल्ड कप में, और बड़ी इनिंग खेलते हैं जब भी खेलते हैं। फिलहाल के लिए मैं रॉबिन पॉवेल के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पर जैसन होल्डर नाम ही काफ़ी है, पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, पहले मैच में 38 रन भी बनाया था, दूसरे में 4 रन बनाया था। तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी शानदार करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेसर इनके अलजारी जोसेफ, ये कैचेज वगैरह इनके बॉल पर नहीं उठते, ये डायरेक्ट बोल्ड मारते हैं या तो LBW करते हैं, काफ़ी अच्छी यॉर्कर फेंकते हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी रहती है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब यहाँ पे आपको चुनना है कोई एक प्लेयर, तो वो एक प्लेयर या तो ओबेड मकोए को लो, डेथ ओवर में करते हैं। विकेट इनको अभी तक 1 मिला है 2 मैच में, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सेम यहाँ पे ऑर्डेन स्मिथ के साथ हैं, ये भी 3 से 4 ओवर कराएंगे, इनको भी अभी तक लास्ट मैच में बात करें 1 विकेट और पहले मैच में भी 1 विकेट। तो अब यहाँ पे किसी एक बॉलर को ही आप ले सकते हो, या तो फिर आयरलैंड के किसी एक बॉलर को आप हटाओ, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे आपकी किस्मत का सारा खेल है, आप ओबेड मकोए को लोगे, अगर इनको विकेट नहीं मिलता है वो स्मिथ को मिल जाता है तो आप हार जाओगे, इनको आप लेते हो इनको विकेट मिल जाता है तो आप हार जाओगे, क्योंकि अगर आप 4 मेंबर वाली लीग ज्वाइन कर रहे हो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म में, चारों की टीम अलग रहेगी, चारों के कैप्टन वाइस कैप्टन अलग रहेंगे, कैप्टन हो सकता है सेम भी हो, ज़्यादातर लोग हो सकता है कि जैसन होल्डर को ही बनाए, बट यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोगों में बॉलर्स चेंज होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे लेना बनता है ओबेड मकोए को, अदरवाइज़ यहाँ पे देखा जाए तो अकील हुसैन है,
जिन्होंने लास्ट मैच में एक विकेट लिया, 23 रन बनाया, पहले मैच में विकेट नहीं मिला था। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट हैंडर के अगेंस्ट कहर ढा सकते हैं। बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं अगर मैं बात करूँ आयरलैंड की टीम में, तो ये यहाँ पे जल्दी विकेट चटका सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहो तो आप अकील हुसैन को ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे और कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको सारे ऑप्शंस यहाँ बता दिए, आपको उनमें से ही प्लेयर को लेना है। फिलहाल मैं ओबेड मकवाय के साथ ही जा रहा हूँ। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन आपको बनाना चाहिए जैसन होल्डर को और कैम्फर को, ये दोनों ही बैटिंग से और बॉलिंग से परफॉर्मेंस करेंगे। कैम्फर थोड़ा ऊपर आते हैं आयरलैंड की तरफ से, और इनके बॉलिंग का कंफर्म नहीं रहता, अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो 3 ओवर मिलेगा, नहीं तो 4 ओवर मिलेगा, अदरवाइज 2 ओवर भी करते हैं, कई बार बॉलिंग नहीं भी करते हैं। तो ये आप देख लेना, जैसन होल्डर 4 ओवर करेंगे, डेथ ओवर में करेंगे। आप यहाँ पे एक और चॉइस लेके चल सकते हो अल्जारी जोसेफ, जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, पहले में 2 विकेट, दूसरे में 4 विकेट, 6 विकेट ले चुके हैं। इनको भी आप वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हो, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस मैच को विंडीज ही विन करने वाली है, हाई चांस है, और विन करना भी चाहेगी, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, उसको कायम रखना चाहेगी। जल्दी ही इंडिया के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको बहुत बड़े बड़े गिव अवे देखने को मिलेंगे, लाखों रुपए गिव अवे हमारे चैनल पे आते हैं। पुराने जो गिव अवेज थे, मैं आपको बता दूं, जो आईपीएल के समय रखे गए थे, हमारा जो पुराना चैनल था वो अब वर्क नहीं कर रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, तो उस पर ही वीडियो सारे अपलोड किए गए थे, इसलिए आईपीएल के टाइम के हमने गिव अवे के विनर अनाउंस नहीं किए, जो डेली गिव अवे हम अनाउंस करते हैं, क्योंकि उसी में वीडियो थे, उसी में कमेंट थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन अब नए सिरे से हम स्टार्ट करेंगे, आई होप कि आप सब हमारा साथ दोगे और हमको फिर से उसी ऊंचाई पर लेकर के जाओगे यूट्यूब के सेक्टर में, और हम फिर से उसी तरीके से आपके लिए वीडियो बना पाएंगे। वैसे ही यूट्यूब पे काम करने से हमको कोई बेनिफिट नहीं है, ये आपके बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें रखी गई हैं। पेड मेंबरशिप की बात कीजिए हैं तो हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट दोस्त अंकुरी साइनिंग आउट, बाय बाय।